and listen to me carefully. What is going on? This is terrible. समझ में नहीं आता कि जब आप इस तरफ से चिल्ला के वेल में जाते थे उस वक्त को याद करूं या आज आप कुर्सी पे बैठे हैं तो उस वक्त को याद करूं. We want justice. I am going to speak. I am going to speak. It looks like you are not interested in the appeal. Discussions बाकी. You are not interested in the appeal. आप बोल रहे हैं. आप बोल रहे हैं. आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं. आप एड्रेस कीजिए शेयर को. आप शेयर को. कलाई घोट दीजिए हम लोगों का. नमस्कार. सपा सांसद और गुजरे जमाने की बेहतरीन अभिनेत्री रही जया बच्चन आजकल खूब चीख रही, खूब चिल्ला रही है. पीठासीन अध्यक्ष को भी ऐसे फटकार लगा रही है जैसे वो उनके जलसा में काम करने वाले कोई कर्मचारी हो. नतीजा ये रहा कि सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था. जया को नार्कोटिक्स बिल पर बोलने का मौका दिया गया था लेकिन वो निलंबित सांसदों के मुद्दे पर अड़ी रही. जया चिल्लाती रही और खुद की आलोचना करवाती रही. How are you protecting the members of this house or the 12 members sitting outside? How are you protecting them? Madam, you are going to speak on narcotic bill. I am going to speak. It's not narcotic bill, you are saying. I am going to speak. It looks like you are not interested in the bill. Discussions baki. You are not interested in the bill. Mera mauka hai bolne ka. Aap kyun bol rahe hain? आपका मौका है. वैसे पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि जया को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आने लगा है. कभी कैमरे के सामने चिल्ला पड़ती है, कभी पेपराजी को फोटो क्लिक करने पर लताड़ देती है, कभी रिपोर्टर कोई सवाल कर ले तो उस पर बरस पड़ती है. हर बार जया अपनी फजीहत करा लेती है. पब्लिक फिगर होने के नाते मीडिया का उनकी तरफ नजर रखना आम है लेकिन जिस तरह का जवाब जया की तरफ से मिलता है लोग उसकी खुलकर आलोचना करते हैं. क्या आप जानते हैं एक बार अपने इसी अड़ियल रवैये को लेकर जया बच्चन और राज ठाकरे में ठन गई थी. इसका अंजाम अमिताभ बच्चन को भुगतना पड़ा था. बाद में विवाद को सुलझाने के लिए खुद बिग बी आगे आए थे और माफी मांग ली थी. ये किस्सा है साल 2008 का. उस साल अभिषेक बच्चन और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म द्रोण रिलीज हुई थी. द्रोण के प्रोमो लॉन्चिंग के दौरान तमाम स्टार्स मौजूद थे. स्टेज पर बेटे की फिल्म को प्रमोट करने के लिए खुद जया बच्चन भी आई थी. इस दौरान जया ने कह दिया, हम यूपी के लोग हैं, हमें हिंदी में बात करनी चाहिए, महाराष्ट्र के लोग हमें माफ करें. जया के इस बयान पर एमएनएस ने कड़ी आपत्ति जताई थी. राज ठाकरे ने साफ ऐलान कर दिया था कि या तो जया माफी मांगे नहीं तो बच्चन परिवार में से किसी की भी फिल्म को महाराष्ट्र में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा. राज ठाकरे ने अमिताभ, जया, ऐश्वर्या, अभिषेक सबकी फिल्में बैन करने का ऐलान कर दिया था. बात जब नहीं सुलझी तो राज ठाकरे ने इस फैसले का और कड़ाई से पालन करने का आदेश दे दिया. मसलन जहां कहीं भी इक्का दुक्का बच्चन परिवार में से किसी की भी फिल्म लगी होती वहीं पर विवाद शुरू होने लगा. राज ठाकरे ने फिर से ऐलान किया कि जब तक जया अपने मराठी विरोधी बयान के लिए माफी नहीं मांगेंगी ये विरोध ऐसे ही जारी रहेगा. राज ठाकरे ने उस वक्त ये भी कहा था अगर जया हिंदी में बात करना चाहती है तो वो यूपी में शिफ्ट हो जाए, महाराष्ट्र में तो उन्हें मराठी सीखनी ही पड़ेगी. मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वो पश्चिम बंगाल और असम में हिंदी बोलकर दिखाएं. राज ठाकरे ने ये तक कह दिया था गुड्डी बुड्ढी हो गई लेकिन अकल नहीं आई. इसी बयान से आप समझ सकते हैं कि ये विवाद किस हद तक बढ़ गया होगा. हद तो तब हो गई जब बिग बी और अभिषेक की फिल्मों के पोस्टर्स पर कालीख पोती जाने लगी, उनके बैनर उखाड़े जाने लगे. एक एमएनएस कार्यकर्ता ने तो जया का इलाहाबाद का टिकट कटा दिया था. ये विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया जब जया ने इतना सब होने के बाद ये पूछ लिया राज ठाकरे है कौन. दरअसल मीडिया में उनसे सवाल हुआ कि राज ठाकरे आपका विरोध कर रहे हैं. इस पर जया ने जवाब दिया, राज ठाकरे कौन है मैं तो नहीं जानती, मैं सिर्फ एक ठाकरे को जानती हूँ और वो है बाल ठाकरे. वो मेरे पिता समान है और उनके बेटे उद्धव ठाकरे को भी जानती हूँ, बाकी मैं किसी अन्य ठाकरे को नहीं जानती. इसके बाद तो महाराष्ट्र में माहौल और बिगड़ गया. हालातों को काबू करने के लिए खुद बिग बी आगे आए और अपने ब्लॉग के जरिए राज ठाकरे से माफी मांगी. हालांकि इस माफी को राज ठाकरे ने स्वीकार नहीं किया और कहा अमिताभ का ब्लॉग पढ़ता कौन है. इसके बाद बिग बी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जया के बयान पर माफी मांगी. तब जाकर राज ठाकरे शांत हुए. हालांकि इस पर भी राज ठाकरे ने तंज कसा था और कहा था ये माफी जया को मांगनी चाहिए थी पर अमिताभ फैमिली के हेड है, जया को सिर्फ लिखे लिखाए संवाद ही बोलने चाहिए. महाराष्ट्र में मचे इस भूचाल का असर पूरे बच्चन परिवार पर तो हुआ ही, साथ ही साथ जिन फिल्म मेकर्स ने इन स्टार्स की फिल्मों पर पैसा लगाया हुआ था उन्हें भी नुकसान हुआ. लेकिन मजाल है कि जया अपने बयान से टस से मस हुई हो.
खैर अब तो जिस तरह से वो अपनी पार्टी और उसके नेताओं के हक में बात करती है उसकी तारीफ शिवसेना के मुखपत्र सामना में खूब होती है। ये तो रही गुजरे जमाने की बात, लेकिन जया के अड़ियल रवैये में कोई सुधार नहीं है। वक्त के साथ साथ वो और ज्यादा गुस्सैल होती जा रही है। अब देखिए ना, राज्यसभा में जया का ऐसा रौद्र रूप दिखा जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। आप भी देखिए और सुनिए कैसे जया बीजेपी को श्राप दे रही है, पीठासीन को भी ललकार रही है। द नेक्स्ट स्पीकर इज श्रीमती जया बच्चन। सर, मैं आपको धन्यवाद नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि समझ में नहीं आता कि जब आप इस तरफ से चिल्ला के वेल में जाते थे उस वक्त को याद करूं या आज आप कुर्सी पे बैठे हैं तो उस वक्त को याद करूं। सर, दुख की बात यह है कि ये ऐसा वक्त है जहां बड़े बड़े चीजों Opposition is degrading the house. They are casting a person on the chair. This is the degradation of the house. This is not the custom of the house that you are casting. Any member can be the chair. Anybody can sit on the chair. You cannot degrade the member. Chair. Kindly remove him. Kindly remove it. And warn the member not to use this. Another time. Same thing. Okay. I go through the record. If something is there, it will be expunged. And I will request honorable member to start her speech. Sir, thank you for calling me honorable. And if you really believe I'm honorable, then listen to me carefully. We want justice. Don't expect justice from there. But can we expect it from you? How are you protecting the members of this house or the 12 members sitting outside? How are you protecting them? I am going to speak. It looks like you are not interested in the bill. Discussions baki. You are not interested in the narcotics. मेरा मौका है बोलने का। आपका मौका है बोलने का नारकोटिक्स बिल पर। मुद्दे है डिस्कस करने के लिए और मगर हम लोगों ने 3-4 घंटे दिए क्लेरिकल एरर डिस्कस करने के लिए। What is going on? This is terrible. और आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ, आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। अगर ऑनरेबल मेंबर, यू आर ऑनरेबल मेंबर, आपके बुरे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। अगर आपके अंदर इतनी भी आपके कोलिग्स, यू डोंट हैव टू रिप्लाई टू हिम। सर, बात ही ना करने दें। आप एड्रेस कीजिए शेयर को। आप शेयर को चलाइए, घोड़ दीजिए हम लोगों का। आप लोग चलाइए। क्या बोल रहे हैं आप? मत What are you saying? Tell me what are you saying? Have the courage to stand up and speak and make such nasty remarks. I think you are not what interested. What are you saying? I think you are not interested. I am calling the next member. ये जो बोल गए ये आप रखेंगे? I think ये जो भी बोल के गए वो आप रखेंगे? आपका जो बोला। I expect you to take action on the comment that he made about me and my children. That will be. You want to be fair? You're sitting on the chair. You don't belong to any party, sir. You do justice, or you tell the whole house and make that that you don't believe in justice. He made a personal.
विषय पर बोलिए, आप विषय पर नहीं बोल रहे हैं। यू ही मेड अ पर्सनल विषय पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। हाउ डेयर ही डू इट, यू हैव टू प्रिपेयर। इफ यू हैव टू फाइट, यू इफ यू हैव इंटेंशन टू फाइट, दिस इज नॉट द फोरम। आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। आई एम कॉलिंग द नेक्स्ट स्पीकर, आई एम कॉलिंग द नेक्स्ट स्पीकर। रामनाथ ठाकुर, remarks in the house, how can they make personal remarks in the house? बड़े दुख की बात है कि आप लोगों के दिल में इतनी भी समझ नहीं है और इतना भी आप लोगों को लिए, आप लोगों के पास अपने रिस्पेक्टेड कोलीग्स जो बाहर बैठे उनके लिए जरा भी सम्मान नहीं है। आप लोगों को बुरे दिन आएंगे। आई कर्स यू। House is adjourned till 5 p.m.